अपने विवादित बयान के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। रैली के मंच से उन्होंने बिजली अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि बिना बताए बिजली काटी तो जेल भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बिजली कटने को लेकर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हमने जो बिजली के कारखाने लगाए हैं उससे राज्य में बिजली आने लगी है। दिग्विजय सिंह ने बिजली कटने को लेकर बीजेपी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हमने जो बिजली के कारखाने लगाए हैं उससे राज्य में काफी बिजली आने लगी है। कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी के कुछ लोग विद्युत मंडल में हैं, वह खुद ही बिजली बंद कर देते हैं और कहते हैं कांग्रेस आई बिजली गई, बिजली की कमी नहीं है, ये बीजेपी के लोग अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। अपनी रैली के दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर रखा। शिवराज सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जमकर निशाना साधा।